हाय फ्रेंड, अगर आप एक जियो यूजर हैं तो आज आपको निराशा हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड जियो तीसरे स्थान पर चला गया है। हाँ फ्रेंड, पहले स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर नहीं, तीसरे स्थान पर। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि जियो कहां पर तीसरे स्थान पर चला गया है और कैसे चला गया है। तो फ्रेंड सारी बातें इसी वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे जियो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। फ्रेंड यहां पर एक रिपोर्ट पेश किया गया है, जिसमें कि कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं। फ्रेंड इस आंकड़ा में बताया गया है कि अगर उपलब्धता की बात किया जाए, कवरेज एरिया की बात किया जाए, तो यहाँ पर जियो फर्स्ट में है। फ्रेंड यहाँ पर 98.8% एरिया पर जियो का कवरेज है, और फ्रेंड यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर एयरटेल है, जो कि 90% एरिया पर कवरेज देता है। फ्रेंड वहीं पर बात करें थर्ड पोजीशन की, तो यहाँ पर वोडा जो है तीसरे स्थान पर है 84.4% के साथ, और चौथे स्थान पर आइडिया का है, जो कि 82.8% है। फ्रेंड बात करें इंटरनेट स्पीड की, तो यहाँ पर जियो तीसरे स्थान पर चला गया है। हाँ फ्रेंड, पहले स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर नहीं, तीसरे स्थान पर। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से जान लेते हैं कि पहले स्थान पर कौन रहा है और किसने बाजी मार ली है। तो फ्रेंड आपको बता दें कि यहाँ पर एयरटेल फर्स्ट स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है, और जो एयरटेल का स्पीड यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है, वह है 11.23 Mbps। हाँ फ्रेंड, इस तरह से एयरटेल फर्स्ट पर रहा है और सेकंड पोजीशन रहा है वोडाफोन का। फ्रेंड वोडाफोन का जो स्पीड यहाँ पर दर्ज किया गया है वह है 9.13 Mbps, और फ्रेंड इसके बाद जियो का नंबर आता है तीसरे स्थान पे, जिसका कि स्पीड रिकॉर्ड किया गया है 7.11 Mbps। और फ्रेंड बता दें आपको कि यहाँ पर चौथा जो आंकड़ा निकल कर आया है वह आइडिया का निकल कर आया है, जिसकी स्पीड रही है 7.02 Mbps। तो इस तरह से फ्रेंड जियो तीसरे स्थान पर चला गया है। तो फ्रेंड इस तरह से यह रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसे पेश किया है ओखला ने। और फ्रेंड बता दें कि यह रिपोर्ट जो पेश किया गया है 2018 के दूसरे छमाही का रिपोर्ट पेश किया गया है, और फ्रेंड यह रिपोर्ट जो पेश किया गया है 15 बड़े शहरों के सर्वे के आधार पर किया गया है। तो इस तरह से फ्रेंड जियो तीसरे स्थान पर चला गया है। तो फ्रेंड आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं कि क्या जियो का स्थान तीसरा स्थान कैसे हो गया, और क्या लगता है कि जियो कब तक फर्स्ट स्थान पर आ जाएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।